दोस्तों आप ये सोचिए कि आपकी प्लेट में जो मीट पड़ा हो और उसके लिए किसी भी एनिमल्स की हत्या भी नहीं की गई हो और उसका टेस्ट बिल्कुल रियल मीट या फिर चिकन जैसा हो, तो आप मेरे इस बात पर यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई सेंस है इस बात की? दोस्तों अभी इस दुनिया में करेंटली मीट एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। कि आपको तो ये मालूम ही होगा कि कोई भी एनिमल्स को खाने के लिए, मेरा मतलब जो आप खाते हो उसको खाने के लिए उसको कहीं ना कहीं तो जरूर बड़ा करता होगा, है ना? तो दोस्तों साइंटिस्टों ने एक ऐसा रामबाण उपाय निकाला है कि ये बिल्कुल दही बनाने जैसा है और इसे कहते हैं कल्चर्ड मीट। इस मीट को बनाने के लिए बिना किसी एनिमल्स को मारे उसका सिर्फ एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लिया जाता है, फिर उसी मांस के टुकड़े को न्यूट्रिशनल लिक्विड में डाला जाता है। वहां से वो बायो रिएक्टर में जाते ही वहां पर मांस के सेल मल्टीपल सेलों में ग्रोथ होने लगता है। है ना कितनी मस्त बात। हम एनिमल्स लवर कितना खुश हो जाएंगे कि जिसको जो चाहिए उसको वो मिल जाएगा और किसी भी एनिमल्स की जान भी नहीं जाएगा। और दोस्तों अगर इस छोटे से भी छोटे सेल को इस लिक्विड में डाल दिया जाए तो वो उसे भी अनलिमिटेड बना सकती है। दिसंबर 2020 में सिंगापुर ऑलरेडी बनाना और बेचने के लिए इसे परमिट मिल चुका है और ये मीट नॉर्मल मीट से ज्यादा हेल्दी है क्योंकि एनिमल्स को भी तो कुछ इन्फेक्टेड होता है ना। हाँ दोस्तों इस मीट में इन्फेक्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट में बनाया जाता है और आप भी अपने घर पर इसे ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि ये नॉर्मल मीट से ज़्यादा पौष्टिक और सेफ है क्योंकि इसको बनाने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक यूज में नहीं लाया जाता। मुझे लगता है कि जो लोग नॉनवेज है उसे कल्चर्ड मीट में अब शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि यह हमारे प्लानेट के लिए भी अच्छा है और इससे किसी भी एनिमल्स की कत्ल भी नहीं होगा। तो जरा आप भी इस बात पर सोचिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ गया है तो कहीं पे एक जगह पर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए तो एक छोटा सा काम करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो में लाइक तो आप कर ही दिए होंगे क्योंकि अभी आप इस चैनल के मेंबर है। तो अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। क्या बोला तूने? मेरा मतलब था कि अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में।